बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला खगड़िया का है, जहां अलौली थाना के अंबा गांव में बीते 24 घंटे में दो लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। कल एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, वहीं आज एक और युवक ने दम तोड़ दिया। दरअसल शिवा सदा नाम के युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगी। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से उनके बेटे की मौत हुई है। इधर कल भी दिलीप शाह नाम के एक शख्स की संदेहास्पद मौत हो गई थी। दोनों ही मृतक एक ही गांव के हैं। उधर 24 घंटे में दो लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक शिवा सदा के परिजनों का कहना है कि जब उनके बेटे को उल्टी हुई, जब उन्हें शराब पीने की बात का पता लगा। परिजनों के मुताबिक दोनों ही युवक की मौत जहरीली शराब से हुई है और दोनों ने एक ही दुकान से शराब लेकर पी थी। ग्रामीणों के मुताबिक जहरीली शराब से कुछ और लोग भी बीमार हैं, जो पुलिस से छिपकर निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। बड़े अधिकारी के आदेश पर दर्ज होती है प्राथमिकी। परिवार वालों का आरोप है कि जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने आते हैं तो आसानी से शिकायत भी दर्ज नहीं होती। जब तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं कहता, तब तक न तो शिकायत दर्ज होती है और न ही कोई सुनवाई होती है। हालांकि इस दौरान पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की बात कर रही है, लेकिन ग्रामीण इसे महज एक दिखावा ही मान रहे हैं। यही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कराने का दबाव भी बनाती है। वहीं इस मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके अवैध शराब का धंधा जोर शोर से चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और इन मौतों से सरकार हमेशा बैकफुट पर आ जाती है। आपके बेटा के साथ दारू पिया था? कहाँ? दीपक और बुधन यहाँ। अच्छा, कौन गांव घर है आपका? अंबा इचरवा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर परसों दारू पिया और कल में उसको 4 बजे से उल्टी हुआ, उल्टी रुका नहीं, एकदम कोयला जैसा उल्टी हुआ। और उसके बाद हमारे गांव के लोग सब बोला कि इसे अस्पताल ले जाओ, तो ब्लॉक पर भेजा अलौली। अलौली गया तो वहाँ से एक टीका लगा करके सदर अस्पताल भेज दिया, बोला जाओ वहाँ ठीक हो जाएगा। तब यहाँ लेकर के आया, तब डॉक्टर साहब ने यहाँ से बोला कि क्या हुआ इसको, तो बोले सर दारू पी लिया, दीपक यहाँ बेहोश है और उल्टी उल्टी होता है, उल्टी बंद नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ जब दवाई पिया किया और जब उल्टी बंद हुआ तो उसके बाद सांस मतलब उल्टा चलने लग गया। मर गया फिर? वो मर गया फिर 2 बजे रात में। परसों जो आदमी मरा था, ये सब आदमी साथ में बैठ के, आपका बेटा सब साथ में बैठ के पिया था दारू? साथ में पिया होगा दारू साथ। और कितना आदमी बीमार है? एक मिनट रुको। अच्छा बेटा, क्या नाम क्या आपके बेटा का? शिवा सदा। तो क्या पोलोथीन पिया था? कौन दारू पिया था? वो फोरूटी था कागत वाला में। अच्छा, पुलिस कल आई थी आपके गांव में? पुलिस कल में आया था, जो दूसरा बड़ा ना उसमें आया था। फिर आप लोग ने बताया कैसे ऐसे तबियत खराब? हम लोग बिहार में थे, माल जाल था, डेरा डंटा पर था, घास भूसा करके। उसके बाद हमको सांस को पता हुआ ना, तब हम घर पर गए, तब इसको दवाई सुझा करके लिए, मतलब कि खोजा तो कोई टेम्पू वाला तैयार नहीं हुआ। तब फिर मुखिया जी बेटा ब्लॉक पर पहुँचाया,
तब फिर अलौली में वहाँ डॉक्टर साहब ने टीका लगवाया, रेफर करके फिर यहाँ सदर अस्पताल भेजा। अच्छा ये बताइए कि कल जिसका मौत हुआ है और आज जो हुआ है, दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों एक ही जगह शराब खरीदे थे? दोनों एक ही गांव का, एक ही जगह शराब खरीदा और पिया भी? पिया भी उसी से, दीपक से ही लेकर के। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम पदार सदा। बेटा का? शिवा सदा। करा रहा है, अब दो आदमी और है अगल बगल का, तो वो भी मरणासन स्थिति में। सवाल यहाँ ये है कि जो ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग सर गुप्त तरीके से सूचना भी देते हैं ना पुलिस प्रशासन को, तो जो थोक विक्रेता है माफिया उसका हमको सर फोन आ जाता है। हमने तो गुप्त तरीके से शिकायत किया पुलिस प्रशासन को, तो माफिया कैसे जान गया कि तुम बाबा बने छी? बाबा बनता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है तुम। और हालात ये है कि पुलिस ही वो काम करती है जो विज्ञापन और डिलीवरी का काम जो आम लोग करता या विक्रेता करता माफिया करता, वो काम पुलिस प्रशासन करती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लाख ढिंढोरा पीट लें और आप आदेश दें पुलिस प्रशासन को कि ये काम बिल्कुल शराबबंदी हो के रहेगा और जिसके क्षेत्र में पकड़ाएगा उस पर कार्रवाई होगा। आपका ये हवाई फायरिंग बात, आपका निर्देशन ये हवाई फायरिंग हो चुका है और कहीं से भी ये तर्कसंगत नहीं हो रहा है और ये पाप के पुलिस प्रशासन का प्रतिफल है। आज दारू धरले से बिक रहा है और दारू से लोग मर रहा है। इधर से कॉल गया है कि जो ऐसा ऐसा बात है, तो हमें वहाँ से कैसा बात है, क्या बात है, यानी कि दारू पी लिया है, उल्टी नहीं बंद होता है। जब वहाँ से गाड़ी भेजे तब तक मैं यहाँ मुखिया बेटा ब्लॉक भेज दिया। अच्छा, ब्लॉक भेजा है, ब्लॉक पर टीका लगा कर यहाँ खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। अच्छा, हम वहाँ से 4 बजे यहाँ आए हैं अस्पताल, हमको पता चला। गाँव में खुलेआम शराब बिकता है? खुलेआम शराब बिकता है, कोई पुलिस वुलिस नहीं? कोई कोई नहीं रोकता है। पुलिस जाती है कि नहीं? पुलिस तो जाता है, पुलिस कल भी गया लेकिन जाता है जिसका नाम है। अच्छा बोलिए। पुलिस कल भी गया लेकिन अब पुलिस को वहाँ पता नहीं चला, कोई नहीं बताया कि यहाँ दारू व्यवस्था है। आप लोग क्यों नहीं बताए थे? तो हम तो जानते नहीं थे, हम तो अभी बलुहा से आए हैं। अच्छा, ससुराल से। अच्छा, पहले से पीते थे दारू वो? पहले से पीते थे, तनी मनी पीते थे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, 3 दिन जो दारू पिया तो दारू में यानी कि दवाई मिलाया था कि क्या चीज़ मिलाया था ये तो पता नहीं है, उसी से मौत हो गया। हाँ, लेकिन पहले पीता था लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? नीतू देवी।